आप देख रहे हैं डीडीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क। मथुरा के केआर डिग्री कॉलेज के मैदान पर दो दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट संपन्न हुआ। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस हॉकी टूर्नामेंट में कुल 14 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 6 टीमें महिला वर्ग की और 8 टीमें पुरुष वर्ग की रहीं। टूर्नामेंट के सभी मैच रोमांचक रहे और सभी खिलाड़ियों ने अपना भरपूर प्रदर्शन किया। अपनी टीम को जिताने के लिए वे अंत समय तक लड़ते रहे। समापन से पूर्व हॉकी टूर्नामेंट में आए सभी अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह ने इस टूर्नामेंट की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह ने बताया कि इस हॉकी टूर्नामेंट से हमारे जनपद में नए खिलाड़ियों की पहचान हो पाएगी। हमारे सुरेश मिश्रा जी ने अपनी माता जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये मैच कराया है। बहुत अच्छा, हमारे देश की संस्कृति इसे उजागर रहती है और देश की संस्कृति में जीना चाहते हैं बच्चे। ये खेल का पूरा हमेशा होते रहना चाहिए। मैं मिश्रा जी से ये कहना चाहूँगा घर बार और इससे भी बड़े रूप में कराए। सरकार खेलों के प्रति इतना थोड़ा सा जिले में ध्यान देना चाहिए, वो मैं इस बारे में चर्चा जरूर करूँगा और जब अगली मीटिंग 2-4-5 दिन में मैं जिले की लूँगा तो उसमें ये बात जरूर करूँगा। टूर्नामेंट में फाइनल मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को विजेता और उपविजेता की शील्ड प्रदान की गई। देखिए, सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि हॉकी वास्तव में किसी समय में भारत की पहचान हुआ करती थी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का बड़ा बोलबाला रहा। आज इस टूर्नामेंट को देखने के बाद उन्हें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में हॉकी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जिस प्रकार से यहाँ हॉकी के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया उसे देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ और हमारे शैलेश मिश्रा जी ने अपनी माता जी की स्मृति में जो ये कार्यक्रम रखा, तो इस प्रकार के टूर्नामेंट आगे भी होती रहे जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी का हॉकी के प्रति और अन्य खेलों के प्रति भी एक लगाव बना रहे और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मथुरा जिले का नाम रोशन करें।